हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। भाई सभी भाई बहनों को जुम्मे मुबारक। अभी अजान हो रही है, जुम्मे का टाइम हो चुका है। वो जाने लगे हैं मैं, बिलाल और चाचू। पैंट शर्ट पहनी हुई है यार, तो मैंने सोचा कि ना पढ़ने से तो अच्छा है मतलब पैंट शर्ट में ही पढ़ ले। टाइम हो चुका है, चलते हैं। बस चाचू का वेट कर रहे हैं, चाचू आ जाएँ फिर निकलते हैं। क्योंकि चाचू अभी रूम में बैठे हैं, थोड़ा सा रेडी हो रहे हैं, तो फिर चलते हैं मस्जिद में। टाइम हो चुका है और चाचू आ ही नहीं रहे हैं। अभी चाचू लोग नहीं निकल रहे तो मैं चलता हूँ, क्योंकि टाइम हो चुका है। मैं आ चुका हूँ मस्जिद में और ये सामने ही मस्जिद है। जुमा पढ़ लें फिर करते हैं रब्ता। A few moments later. अभी यार मैं जुम्मा पढ़ के आ चुका हूँ। मेरा और शानी भाई का टाइम था 1 बजे का। हम लोगों ने कहीं ज़रूरी काम जाना था तो मैं जुम्मा पढ़ने चला गया। तो अभी वो कॉल कर रहे होंगे, मैंने जो है ना डाटा ही ऑफ था, तो अभी उन्हें कॉल करते हैं, उनकी भी बातें सुनते हैं, चलते हैं। और क्या पता वो चले गए हों। ये आवारा के काम यहाँ पे घूम रहा है। जुम्मा पढ़ने नहीं गया भाई? बड़ा तेरा मरासी आ रहा, तेनू नहीं पता जुबा पड़ी जाइए ना कपड़े चुर जाना इन्हू की गंदे किथे ने। मैं भी नहीं नमाज पढ़ता पहले, बट आज के बाद लोग भी फुल किया करेंगे और नमाज भी पढ़ा करेंगे, क्योंकि नमाज ज़रूरी है यार। बड़ा मैं पागल बनता हूँ कि नमाज ही नहीं पढ़ता, बकाया एवं ही वीडियो शीडियोज में लगा रहता हूँ। बट जिस रब ने मुझे बनाया हुआ है उसके लिए कुछ भी नहीं करता। आज के बाद भाई नमाज आपका भाई 5 ही नमाजें पढ़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुबह के बस उठ जाए, बकाया साड़ी पढ़ लेगा, देखते हैं आप सुबह। ओके, बिना शानी भाई और सना चले गए हैं अलादीन पार्क में। और मैंने ना इससे बोला कि यार मुझे उतार के आओ, ये बाइक ली है उमर लोगों की तो इस पे उतार आएगा मुझे। चलो जी चलते हैं। ओ पैंचर ही लो जी। कर लो घुमाइया तो पैंचर ही हैं यार। किस्मत ही बकवास है, गाड़ी पंचर है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो वेट करते हैं आप अपनी बाइक आने का। फिर वो आंधी होने चला के आयो, ठीक है। तो उन लोगों की बाइक पूछी थी और उन्होंने बोला कि ले जा, वो देखा तो डायरी पंचर है। अभी चाचू के हुए हैं जुम्मा पढ़ने दूसरी मस्जिद में, वो लेट ही आते हैं, पता नहीं कब आएंगे। तो वो आते हैं फिर जाते हैं, वरना उन्हें कॉल करते हैं वो खुद ही आकर ले जाएं। ऐसा कुछ करना पड़ेगा। आ जाओ, मैं बुलाया था कि यार तू मुझे उतार के आ पार्क में, वो बेचारा आ गया और वो गाड़ी पंचर निकली है। तो अभी अपनी बाइक आती है ना यार, उसमें उतार के आना, ठीक है? हाँ, तो अपनी बाइक आती है ना, उसमें ये उतार आएगा। A few moments later. हमारी आ चुकी है। इसके टैंकी टापे हम लोगों ने चेंज करवा दिए, पहले और कलर के थे, अभी भाई ने ना कल के चेंज करवा दिए। रुको जरा, सबर करो। ये थकी हैं, पहले सही थे, ठीक है, अब वाले नहीं सही। तो चलते हैं, ये भाई उतार के आएंगे। मुझे शानी भाई की कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि यार हम लोग ना सोसाइटी के अंदर हैं, उस तरफ जहाँ वीडियोस बनाते हैं, तो ये दोनों मुझे उतारने जा रहे हैं। बिलाल भी कह रहा था मैंने भी जाना है, तो मैंने बोला कि चल। तो चलते हैं, उनकी भी बातें सुननी पड़ेंगी पहले। तो जी एवरीवन, तो बिलाल अभी मुझे उतार कर चला गया। तो आज हमारी गैंग में ये चांद भाई भी शामिल हो गए हैं। पहले ये मुझे बोल रहे थे कि मैं जो ना अलादीन पार्क में हूँ, मैं वहाँ पे गया हूँ, तो ये जनाबे वाला यहाँ पे आ चुके हैं चांद को ले के। इनसे इनसे पूछा है वही वीडियो के बारे में कि ये आते क्यों नहीं है। वो कहते ना शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बात पता क्या, ये दोनों जो बंदे हैं ना, ये हमजा और ये सना, हाँ। ये बात खुद पे ले जाते हैं। ओके, वो मैंने एक लोकल सी वीडियो बनाई थी और ये दोनों बंदे समझ रहे थे कि शायद ये पता नहीं किस पे इसने बात लगाई। अरे कहना क्या चाहते हो? करा करो किसी अच्छे से। मैंने कोई बात की है आपसे? नहीं, आपने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगी। गंदे वाला, गंदे वाले किधर था? गलत था ना? वो कहाँ गलत था? नहीं छोड़ो झगड़ा, वीडियो शूट कर ले। हाय हाय हाय, ओ मला हाय। हम लोगों ने कर ली है वीडियो शूट, अभी हम लोग जाने लगे हैं और चले। हाँ चले चले वीडियो। हमजा मैं आई बहुत लेट हूँ,
और उधर से बैठो, किधर बहना है? चलो जी, बिंग रहे हो, बिंग रहे हो साडे होइयो, एक मिनट फिर बाहर निकलना, पहले मेनू बहन दे चल निकल। बच्चों ने भी कसम से तंग करके रख दिया हुआ है, अब कभी हम नहीं, आप ले करी ना आया करो, क्या करो है इतने ज्यादा, अरे चाहिए क्या औरत को। वीडियो हम लोगों ने शूट कर ली है और अभी हम लोग जा रहे हैं, चार लोग बैठे हुए हैं पीछे वाली सीट पे। सना आप आती क्यों नहीं हो यार? वैसे ही आप लोग खुद ही नहीं आते, शानी को थोड़ा ना काम था ना इसलिए। शानी भाई नहीं आते यार, पता नहीं क्या सीन है। शानी भाई यार क्या डेली बनाया करें वीडियो यार, मेरे चाचू की शादी है, घर के काम शाम सारे करने होंगे। कल वाले व्लॉग में बताया ना कि शानी भाई शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो वो जो है ना शादी है इनके चाचू की, दुआ करें इनकी भी आ जाए जल्दी से जल्दी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप हैं चांद भाई। चांद भाई, चांद भाई, चांद भाई का डांस दिखाएंगे आपको। शादी शादी करना है ना स्पेशल, और सना का डांस भी आपको दिखाए। हाँ नहीं, गिल की शादी पे तो करेंगे। अच्छा शानी की शादी पे करेंगी डांस आप? शानी की शादी पे डांस करूँ। अच्छा जी, चांद भाई की शादी पे और मेरी शादी पे तो शानी साहब भी डांस करेंगे। शानी साहब के और मेरी डांस करेंगे, ये कौन है? हम ना सना को डांस दिखा रहे हैं कि शानी भाई की शादी पे कौन सा करना है, ये वाला डांस करना है आपके। ओके हाँ ठीक है, कर लेंगे बिल्कुल। शानी भाई की शादी जल्दी लानी पड़ेगी हमें, बस बात कर। चलो जी चलते हैं और इन्हें उतारते हैं वहाँ पे। अभी सना को हम लोग उतार के आ चुके हैं, और शानी भाई अब किधर जाना है? व्हाइट सिटी। अभी हम जा रहे हैं उधर, उधर फैन शैन आए होते हैं तो मैंने कहा जरा उनसे भी 10 मिनट मीट अप हो जाए जी। एक वहाँ पे लड़का आया हुआ है, उसने शायद मिलना है शानी भाई को। शानी भाई की आईडी काफी चली हुई है टिकटॉक। भाई चांद, इससे छुट्टी होती है जुम्मे वाले दिन बस, तो इसे बस थोड़ी सी पिक वगैरह लेनी होती है, वो भी वहाँ पे जाके लेते हैं। अभी हम जा रहे हैं वाइट सिटी, वहाँ पे जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या करना है क्या है। हम लोग वाइट सिटी नहीं थे कि एक शानी भाई का दोस्त है उसकी कॉल आ गई थी, तो शानी भाई ने जाना उस तरफ। अब तो शानी भाई उतार देंगे फिर मुझे घर, आपको साथ देंगे, मैं भी साथ ही जा रहा हूँ, काम है कर दो फिर मुझे कोई नहीं है, मैं तो चाहता हूँ मैं आपके साथ ही रहूँ। तो अभी शानी भाई का फ्रेंड है उसके पास जाना है, फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं, तो चलते हैं उनके पास फिर आपको दिखाते हैं रौनक। शानी भाई के फ्रेंड ये रहे जी, आ रहे ठीक है। अभी इन्हें लेना है और पता नहीं किस तरह जाना है। भाई कह रहे हैं जी हलवा है वहाँ पे, तो खाना है तो आ जाओ, हलवे के शौकीन है हम सारे, तो खाना ही पड़ेगा। चलें जी हलवा शलवा खाते हैं, हमने गम ही खाना था इसीलिए गम ही मंगवाया ना। वहाँ पे ये साथ ही खोखा है वहाँ पे बैठे हुए हैं, और मुझे ना वीडियो करनी है एडिटिंग, तो मैंने उन्हें बोला कि यार मैं चलता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग करके ना मैंने कल वाली वीडियो जो थी ना वो एडिटिंग के आधी कर ली, आधी रहती है वो अपलोड करना है व्लॉग, तो मैं अभी चलता हूँ घर और जो कल रहता है ना व्लॉग अपलोड कर लूँ यार। तो ठीक है गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ घर, तो आज का व्लॉग भी करते हैं यहीं पर ख़त्म। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।